वरिष्ठ विशेषज्ञ गुणवत्ता मिशन प्रेरणा के नोडल ऑफिसर हमारे आनंद पांडे जी को आमंत्रित करूंगा, जो आपके साथ ये इस सत्र की कार्ययोजना को विस्तार में शेयर करेंगे। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम, सारे आरपी साथियों को मेरा नमस्कार। ये विगत कुछ समय हम सभी के लिए बड़ा मुश्किल भरा रहा है और इस अवधि में भी हम लोगों ने ई पाठशाला के माध्यम से या एक दूसरे का हौसला अफजाई संवाद, व्यक्तिगत संवाद और मेंटरिंग करके किया हुआ है। एआरपीज हमेशा इस क्षेत्र में सर्वोपरि भूमिका निभाते रहे हैं। आज आपके साथ मैं विशेष रूप से दो बातों पर बात करूंगा। एक, हम लोगों की इस वर्ष के सामग्री वितरण की, मटेरियल जो डिलीवरी हमारी है, उसका क्या प्लान है, हम क्या कर रहे हैं और इसके लिए हमारा टीचर्स ट्रेनिंग का क्या प्लान है। आपको याद होगा गत वर्ष हम लोगों ने फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को फोकस करते हुए आपको क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ढेर सारी सामग्री उपलब्ध कराई थी और ये एक चरणबद्ध योजना के रूप में उपलब्ध कराई गई थी आपको। चाहे मैं एक रिकैप करना चाह रहा हूँ, ये तीन मॉड्यूल्स हों, ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह के, या फिर समृद्ध और क्रियान्वयन संदर्शिकाएं रही हों, सहज के रूप में आपको बच्चों के लिए बुक्स अवेलेबल कराई गई। क्लासरूम में हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कैसे कर सकेंगे, इसके लिए हम लोगों ने आपको तालिका उपलब्ध कराई और हमारे फाउंडेशनल जो गोल्स हैं जो निर्धारित किए गए थे वो लक्ष्य के रूप में आपसे शेयर किए गए। ये सब सामग्री हमारे अल्टीमेट गोल बच्चों के लिए ही है। हम लोगों ने क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके साथ एनसीईआरटी की लाइब्रेरी बुक्स उपलब्ध कराई थी और इन सारी सामग्रियों के लिए हम लोगों ने आपको निर्देश भी समय समय पर प्रेषित किए थे। क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी पोस्टर्स, प्रिंटिस पोस्टर्स और जो कन्वर्जेशन चार्ट्स थे, ये भी एक महत्वपूर्ण अंग था। एनसीईआरटी के माध्यम से ही हम लोगों ने आपके साथ सबसे बेहतर डिजाइन मैथ्स किट अवेलेबल कराई जो भारत के सबसे अच्छे विशेषज्ञों ने बनाई थी। आप सबका भी फीडबैक रहा कि ये बहुत ही अच्छे हैं लर्निंग बाय डूइंग के लिए। इसमें जो 11 तरह की सामग्री दी गई वो बच्चों को खेलते खेलते सीखने के लिए, करके सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसी कड़ी में इस साल हम लोग ढेर सारी सामग्री जो हमारे कुछ गैप रह गए थे या हम लोगों ने जो इस वर्ष डिजाइन किया है वो आपसे शेयर करना है। टेक्स्ट बुक रूटीन में आपके साथ जाएगी जो एससीईआरटी के माध्यम से पाठ्यपुस्तक अधिकारी कार्यालय से प्रिंट होती है। इसके अलावा वर्कबुक आपको ग्रेड 1, 2, 3 की शेयर की जाएगी और रिवाइज्ड वर्कबुक इस बार आपके साथ दी जा रही है क्लास 4-5 के लिए। हम लोगों ने आपके साथ टीचर मैनुअल्स जो तीनों थे, जिसे हम लोग बाइबल, गीता और कुरान की संज्ञा देते हैं, वो आपसे शेयर की जा चुकी है। इस बार हम लोग आपके साथ हिंदी और मैथ्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स शेयर कर रहे हैं, प्रेरणा इम्प्लीमेंटेशन गाइड, जो आप बेस्ट प्रैक्टिसेज या कैसे हम बेहतर कर सकते हैं वो आपको इसमें मिलेगा। इसी तरह हम आपके साथ कन्वर्सेशन चार्ट्स और प्रिंसिप मटेरियल्स और ज्यादा मात्रा में इस बार शेयर करेंगे, जिससे जब भी स्कूल खुलें तो हमारी लर्निंग और हमारे क्लासरूम का एटमॉस्फेयर पहले से काफी अच्छा रहे। हम लोग आपको मैथ्स किट जो हमने आपको क्लास 1, 2, 3 उपलब्ध कराई थी वो इस बार हम आपको उसकी संख्या बढ़ा रहे हैं। एक हमने दी थी पर क्लास के लिए, पर स्कूल के लिए, इस बार हम आपको 2 दे रहे हैं और ऐसे ही अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए भी हम लोग मैथ्स किट आपसे शेयर कर रहे हैं। इन सबके साथ ही जैसे आपको लास्ट ईयर एनसीईआरटी की लाइब्रेरी बुक्स उपलब्ध कराई गई, इस साल हमारी योजना में आपको एनबीटी की 54 बुक्स उपलब्ध कराई जाएंगी, 54 बुक्स ये आपको संविलियन विद्यालयों और अपर प्राइमरी विद्यालयों के लिए होंगे। इसके लिए हम आपको अतिशीघ्र ही निर्देश जारी कर देंगे। ये बुक्स आपको अगले 2 महीने में एनबीटी के माध्यम से जनपद स्तर पर सेट सप्लाई के रूप में मिलेगी। जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं वो हमने आपसे पहले शेयर कर दिए हैं कि कैसे लाइब्रेरी बुक्स को हम यूज करेंगे और कैसे ये हम बच्चों को एंगेज करेंगे, उसको इशू कैसे करेंगे, कैसे बच्चों की समितियां बनाएंगे। एक मार्गदर्शिका आपके साथ शेयर की गई थी, आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए हम लोग ये मार्गदर्शिका आपसे पुनः शेयर कर देंगे। इसी प्रकार हम लोग आपको इम्प्लीमेंटेशन गाइड्स, साइंस और ये आगे बढ़ाइएगा जो ही से, हम लोग नेक्स्ट ईयर के, इस ईयर के लिए आपको टीचर मैनुअल क्लास 4-5,
के लिए उपलब्ध करा रहे हैं और साथ में ही साइंस और मैथ्स के लिए भी इम्प्लीमेंटेशन गाइड जो प्रेरणा इम्प्लीमेंटेशन गाइड के नाम से है ये आपको अवेलेबल कराई जाएगी। इसके साथ ही आप लोग के साथ जो शेयर किया गया था प्रेरणा लक्ष्य हम लोगों ने क्लास 1-5 शेयर किया था और सूची तालिका भी उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेषित की गई थी। इस बार हम आपको क्लास 1-5 का नॉन हिंदी और नॉन मैथ्स की आपको सूची शेयर करेंगे और साथ में ही क्लास 6-8 की भी सूची आपको अवेलेबल कराई जाएगी। टीचर्स डायरी आपको ऑलरेडी प्रेषित की जा चुकी है, निर्देश भी दिया गया था कि इस वर्ष 1 अप्रैल से इसको आप अपडेट करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ स्थितियां खराब हुई, सेकेंड वेव आई, यूज नहीं कर सके। तो ई पाठशाला का जो लोग निर्देश शेयर कर रहे हैं आज आपके साथ, उसमें आप इसको कैसे एकोमोडेट कर सकेंगे, कैसे अपनी प्लान बना सकेंगे, ये आप इसके साथ अच्छी तरह से क्रियान्वित कर पाएंगे। एक डिटेल प्लान आपसे आज ई पाठशाला का शेयर किया जा रहा है। टाइम टेबल भी अगर हम लोगों को परिस्थितियां अनुकूल नहीं तो आपसे शेयर करेंगे। रजिस्टर्स के बारे में निर्देश, इनका प्रारूप, इनका डिजाइन और रखरखाव आपको शेयर किया जा चुका है। पहले जहां आप 40-60 तक रजिस्टर्स मेंटेन करते थे, वो रजिस्टर्स अब आपको 13 की संख्या में कर दिए गए हैं, जिसमें से एक शिक्षक डायरी है और 12 रजिस्टर्स हैं। मिड डे मील का रजिस्टर आपका पूर्ववत ही है। शेष रजिस्टर्स आपके फीडबैक से, जो टीचर से फीडबैक मिले, बीओ से मिले, आपके एआरपी एसआरजी से और जो उन्होंने 10-12 जिलों में टाइम एंड मोशन की स्टडी की उसके अकॉर्डिंग रीडिजाइन किया है और हमें आशा है कि ये इंडिया का बेस्ट डिजाइन रजिस्टर्स है जो आपसे शेयर किया जा चुका है और इसे कंपोजिट ग्रांट से ही आपको क्रय करना है। हमें बड़ी अच्छे फीडबैक मिली, कुछ जगह से हमने देखा भी कि बाराबंकी या लखनऊ में ये प्रिंट भी होने लगे हैं जो रिपोर्ट मिली। ऐसे अगर हम लोगों को परिस्थितियां अनुकूल मिली तो रिपोर्ट सेट परीक्षा के बाद आपसे रिपोर्ट कार्ड भी शेयर किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड आपने लास्ट ईयर भी देखा था, अब तक का बेस्ट रिपोर्ट कार्ड था जो लर्निंग आउटकम बेस्ड था। इसके साथ ही एनसीईआरटी की लाइब्रेरी बुक्स, एनबीटी की लाइब्रेरी बुक्स के साथ ही हम आपको ढेर सारी अच्छे पब्लिकेशंस की और रोचक बुक्स लाइब्रेरी की उपलब्ध कराने जा रहे हैं जो प्राइवेट पब्लिकेशंस या प्रेस्टिजियस पब्लिकेशंस हैं उनके माध्यम से। ये हम लोगों का डिलीवरी प्लान है इस बार का। इसमें इन सबके साथ साथ हम लोग एक इंग्लिश किट भी आपको अवेलेबल कराएंगे जो हमारी विशेषज्ञ संस्थाएं हैं, ELTI है, SCERT, इन सबके माध्यम से हमने बेस्ट इंग्लिश किट डिजाइन कर ली है। इन सबका प्रोक्योरमेंट स्टेट लेवल पे करके जिले पे उपलब्ध कराया जाएगा और गत वर्ष की भांति जैसे हमने सारे मटेरियल्स आपको उपलब्ध कराए हैं, हर मटेरियल के यूजेस का आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको गाइडिंग प्रिंसिपल शेयर किए जाएंगे, निर्देश शेयर किए जाएंगे, जिससे कि आप ARPG सबसे बड़े एकेडमिक लीडर्स हैं हमारे जनपद में। अगर आपने इसे आत्मसात कर लिया, समझ लिया, तो ये हमारी सारी सामग्री एकदम पूर्ण रूप में सफल रूप में क्लासरूम में लागू की जा सकेगी। 4400 बहुत बड़ी संख्या होती है एक प्रदेश के लिए एकेडमिक लीडर्स के रूप में। आप 4400 हैं, 225 हैं हमारे सारजी। इतनी बड़ी एकेडमिक टीम किसी के पास नहीं है और सबसे सशक्त एकेडमिक टीम्स है हमारी। अगर आपने ठान लिया तो ये हमारा सारा जो मटेरियल है ये केवल मटेरियल नहीं रहेगा, ये इसकी स्प्रिट के रूप में क्लासरूम में लागू भी हो सकेगा। और इसको लागू करने के लिए, हैंड होल्डिंग के लिए, निरंतर मेंटरिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। हमसे ज्यादा आप अच्छा गाइड कर सकते हैं, अच्छी तरह से लागू करा सकते हैं, अच्छा संप्रेषण है आप में और एकेडमिकली आप सबसे साउंड लोगों में हैं। ये हमारा प्लान है। इसके साथ हम आपसे एक साइंस किट्स भी शेयर कर रहे हैं इस बार। ये 6-8 के लिए है और इम्प्लीमेंटेशन गाइड भी 6-7 के लिए हम लोग यहीं से पब्लिश करके, यहीं से प्रिंट करा करके आपसे शेयर करेंगे। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि आपको सारा कुछ स्टेट लेवल से प्रोक्योर्ड मिलेगा, प्रिंटेड मिलेगा, डिलीवरी आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो निर्देश परियोजना के होंगे, राज्य स्तर से जो निर्देश होंगे, उनको आपको आत्मसात करना है, अंगीकृत करना है और क्लासरूम्स में लागू कर देना है। जब तक लॉकडाउन की स्थिति है या बच्चों के लिए विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं, आपके माध्यम से हम लोग इंश्योर करेंगे कि ई पाठशाला के माध्यम से ये सारी गतिविधियां अभिभावकों तक पहुंच जाएं, उन तक ये शेयर हो जाए। हमारे सारे बच्चे घर में हैं, हम सब लोग अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन जो सबसे नीडी पीपल हैं, जो हमारी रेस में कभी वो समान रूप में खड़े होने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है,
वो जिन्हें अवसर की समता उतनी ही जरूरत है जितनी हमें है, वो संवैधानिक अधिकार तभी मिल पाएगा जब आप पूरी तरीके से उनके लिए अपना बेहतर एफर्ट करेंगे। वो घरों में हैं, उनके पास सोशल इकोनॉमिक उनके जो बैकग्राउंड्स हैं उसमें उनके लिए चैलेंजेस हमसे बहुत ज्यादा हैं, तो हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व है कि हम उन सबके लिए ये मटेरियल्स, ये निर्देश, ये शैक्षणिक सामग्री उन तक पहुंचा ले जाएं, इन अभिभावकों को प्रेरित कर ले जाएं, जितना ज्यादा कम्युनिटी पार्टनरशिप हो वो इंश्योर करें, जिससे कि हम हर हाल में अपने लक्ष्य को, अपने प्रेरणा लक्ष्य को, मिशन प्रेरणा को, जो हमारा फाउंडेशनल लर्निंग गोल है, जो FLN मिशन है, ये हमारा कामयाब हो सके। ये तभी हो सकेगा जब आप इसे कामयाब बनाने में एक पायलट की या एक सबसे बड़ी भूमिका अदा करेंगे। नेक्स्ट हमारा प्लान है शिक्षण आपके साथ ट्रेनिंग का। हमारे साथ इस साल जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो बेसिकली फोकस्ड है रिमीडियल पे और FLN पे, ये दोनों ही हमारे मुख्य फोकस है इस बार ट्रेनिंग के लिए। गत वर्ष भी हम लोगों ने जो भी आपसे मटेरियल शेयर किए थे उन सब पे निरंतर आपसे शेयर ट्रेनिंग की थी, आपके साथ यूट्यूब सेशन किया था, ऑनलाइन सेशन आपको ई मेंटरिंग की गई थी, ब्लॉग पे ऑफलाइन ट्रेनिंग भी दी गई और ये ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी आपके साथ की गई थी। अगर स्थितियां नॉर्मल हुई तो हम लोग आपके साथ कुछ फिजिकल ट्रेनिंग भी प्लान करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हमारे सारे जो ट्रेनिंग्स हैं वो हम लोगों का प्लान है कि सितंबर तक ये सारी ट्रेनिंग्स जो समृद्ध पे बेस्ड है हमारा रिमेडियल और FLN फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पे, ये ट्रेनिंग्स हम प्रतिदिन 2 घंटे का टाइम शेड्यूल रख करके 4 से 5 दिनों में आपके साथ प्लान करेंगे। इसमें CMAT, LLF, विक्रमशिला इन सबकी बड़ी भूमिका रहेगी, मास्टर्स ट्रेनर्स के लिए, स्टेट लेवल रिसोर्स पर्सन के लिए, लेकिन जिलों पे या शिक्षकों तक अंतिम व्यक्ति को पहुंचाने की जिम्मेदारी आप है। हम ये मान के चलते हैं कि जितनी कैपेसिटी हम में है हमसे आप में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, हमारी जो कोर टीम है वो भी आपको गाइड करती रहती है और आपसे सीखती भी रहती है, तो जहां कहीं भी आपको लगे आप निरंतर अपना फीडबैक भी देते रहा करिए। और ये भी हम लोगों ने प्लान किया है इस बार की जो हमारा दीक्षा का प्लान है और जो ट्रेनिंग कैलेंडर है वो दोनों अलाइंड कर दिया गया है। ये ट्रेनिंग पूरी तरह से फोकस्ड है और ये इंश्योर करिएगा कि ये ट्रेनिंग क्वालिटेटिव हो। हम लोगों ने कई बार देखा है कि ट्रेनिंग ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनर्स पे काफी डिपेंड करती है, जब आप अच्छी तरह से आत्मसात करते हैं, आप मन से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका जो आउटपुट होता है वो हमेशा से निश्चित रूप से बेहतर होता रहा है। बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं आप लोग, आप बेहतर ट्रेनिंग देंगे। एक आपसे अपील और अनुरोध ये भी है कि जब भी आप शिक्षकों से बात करें तो इसमें फीडबैक प्राप्त करते रहा करिए, उनसे जरूर पूछिए कि जो आपकी समृद्ध की ट्रेनिंग हुई वो कैसी हुई, या जो ट्रेनिंग्स हुई है हमारी ओवरऑल ट्रेनिंग्स गत वर्ष की उसका इम्पैक्ट क्या रहा है। तो एक इम्पैक्ट एनालिसिस, ऑनेस्ट इम्पैक्ट एनालिसिस किया करिए और उसके फीडबैक हमसे शेयर किया करिए, जिससे हमें जो गैप है हम उस गैप की एनालिसिस कर सकें और हम और सुधार कर सकें, और आपके माध्यम से शिक्षकों को बेहतर मटेरियल्स, बेहतर ट्रेनिंग प्लान्स। जैसा डीजी सर ने कहा कि हम वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेंड टीचर चाहते हैं, ये हमारे पास बेस्ट टाइम है अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, अपने मिशन को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने के लिए और इसकी न्यू और पूरी इमारत मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा टाइम है, और जिसे हम सबसे पॉजिटिव ढंग से रिफॉर्म कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, और ये सारी कैपेसिटी बिल्डिंग आपके माध्यम से हो सकती है। थैंक यू जूही।